नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात 24 करोड़ की, जिसमें फैसला आ चुका है और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो चुकी है। और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एनडीए घटक दलों की अहम बैठक हुई और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का जहां नेता चुना गया, तो वहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार समेत तमाम सहयोगी दलों ने अपना समर्थन पत्र भी सौंपा। इसके बाद अब 7 जून को एनडीए सांसदों की अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। वहीं खबर यह है कि 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इधर एनडीए की अहम बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की भी बुधवार शाम 6 बजे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। ये बैठक भी 1.5 घंटे तक चली और 19 पार्टियों के 33 नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है, लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली हैं, सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। बैठक के पहले गठबंधन के कई नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क करने की बात करते रहे। चंद्रबाबू की टीडीपी को 16 सीट और जेडीयू को 12 सीटें मिली है। और देखिए, ये अपने आप में काफी अहम इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उसमें 19 दलों के 33 नेता शामिल हुए थे। और उसी वक्त की ये फोटो आप देख रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी को भी आप देख रहे हैं। तो वहीं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, उमर फारूक, उसके अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम बड़े नेता आज दिग्गज दिल्ली में मौजूद रहे। तो उधर एनडीए के भी तमाम घटक दल के तमाम अहम नेता दिल्ली में ही मौजूद रहे और यहां पर दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर चलता रहा। इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं नतीजों से उत्साहित दिखाई दे रहा है। बात अगर नरेंद्र मोदी की करें तो वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 8 जून को वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बार मोदी की सरकार 2014 और 2019 के मुकाबले अलग होगी। पिछली बार से कितनी अलग होगी ये मोदी सरकार, इसका थर्ड टर्म जरा समझिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक बार फिर मोदी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। माना जा रहा है कि आने वाली 8 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म कैसा होगा, क्योंकि इस बार अकेले बहुमत के आंकड़े से दूर है बीजेपी। 240 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है जीत। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। एनडीए गठबंधन की सीटें 292 तक आई हैं। विपक्षी दल इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में रह सकती है। इस बार साल 2014 और साल 2019 जैसी मोदी की सरकार नहीं होगी। 2014 और 2019 वाली सरकार से इस बार मोदी सरकार कितनी अलग होगी ये जाने दो। गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा, सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। अकेले बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे नरेंद्र मोदी। गठबंधन सरकार के सामने मजबूत विपक्ष है। कई योजनाओं को जमीन पर उतारना कठिन होगा। यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल होगा। मोदी की कई गारंटियों पर लग सकती है ब्रेक।
खुद के सिवाय सहयोगी दलों की सुननी होगी। गठबंधन धर्म का पालन करेंगे तब चलेगी सरकार। केंद्र में सहयोगी दलों की भागीदारी बढ़ानी होगी। एक भी दल साथ न छोड़े ये चुनौती रहेगी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी सिवाय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। ये दोनों नेता जो तय करते थे वही सर्वमान्य होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सत्ता में भागीदारी बढ़ाएंगे, लोगों की सुनी जाएगी, सहयोगियों को साथ रखना होगा तो सरकार चल पाएगी। यानी नरेंद्र मोदी को वाजपेयी मॉडल अपनाना होगा, तब वो तीसरा टर्म पूरा कर पाएंगे। कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी और उन्हें प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने का अनुभव है। ऐसे में मोदी की सरकार